आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बलात्कारियों को पकड़ने के लिए भीमसेना ने भरी हुंकार। राजस्थान के सीकर जिले तक पहुंचे लोगों का आक्रोश। राजधानी दिल्ली में बिहार की रहने वाली साकिया बहन का कुछ बलात्कारियों ने सामूहिक गैंगरेप किया और उसके जिस्म को कई जगह से काट दिया। देश में हो रहे हैं बहन बेटियों पर अत्याचार और बलात्कार के खिलाफ भीमसेना ने कड़ा रुख अपनाते हुए देश भर में बलात्कारियों को ना पकड़ने पर आंदोलन की चेतावनी दी है और स्पष्ट कहा है कि इस आंदोलन प्रदर्शन की समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आंदोलन ना हो इसके लिए प्रशासन अतिशीघ्र बलात्कारियों को पकड़कर फांसी की सजा दे। राजवीर मायल की रिपोर्ट। ये जो आक्रोश है वो पिछले गत 27 तारीख को दिल्ली शहर के अंदर एक साबिया नाम की लड़की के साथ कुछ लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। वो बलात्कार करने के बाद में उसकी इतनी बुरी तरीके से जगह से उसको काटा गया और उसकी हत्या कर दी गई और उसके खिलाफ हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सरकार को जताना चाहते हैं कि ये आखिर कब तक हमारे देश की जो बहन बेटी लुटती रहेगी। आपने जिस कुर्सी पर बैठे हो उस कुर्सी पर आप बैठने के लिए आपने जो बहन बेटियों की सुरक्षा के नाम पर आपने वोट मांगे हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली से पूरे भारत सरकार के अंदर बहन बेटियों के जो बलात्कार है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार इस मामले में अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रही है। गवर्नमेंट के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। गवर्नमेंट चाहे वो बीजेपी को चाहे कांग्रेस को, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ये बहन बेटी है वो सुरक्षित रहे। आपकी आक्रोश रही और नेगल मार्च को साथ में देने के लिए, लेकिन आगे का आपका कदम क्या रहेगा? आगे तक जब तक ये सरकार दूंगी मेरी सरकार जब तक ऐसे मामलों में सोई रहेगी तब तक हम इसको ऐसे आंदोलन करके इस सरकार को जगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े भीमराव आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोयन से बात करते हैं। मैं राजेश जोया भीम सेना का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते सरकार को ये चेतावनी देता हूँ कि अगर कान खोलकर सरकार आज भी इस बात को नहीं सुनती है तो पूरे देश भर में आंदोलन किया जाएगा और बहन बेटियों की सुरक्षा हम हमारे तरीके से करेंगे और जो भी आंदोलन होगा जो भी आक्रोश होगा उसकी जिम्मेदारी ये उंगली बेरी सरकार होगी। जय भीम, जय भीम। सत्ताईस तारीख की घटना है, संगम विहार की स्थित रहने वाली साबिया बहन जिले डिफेंस की सर्विस करती थी, वो अपने घर नहीं लौटी। कुछ दरिंदों ने उसको अगवा कर लिया और बड़ी बेरहमी से उसके साथ दरिंदगी की। अभी FIR लोड होने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थानों के खिलाफ हमारी ये मांग है सोई इस गूंगी भरी सरकार से कि तुरंत प्रभाव से आरोपी को गिरफ्तार करें और उनके फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। फास्ट ट्रैक ट्रायल में जो काम ये चले ये में हम मांग करते हैं, वरना हमारा प्रोटेस्ट भीमसेना स्वाभिमानी सामाजिक संगठन बड़े स्तर पर ही आंदोलन करेंगे। जय भीम। बहुत धन्यवाद। कैमरामैन आदित्य भगत के साथ राजकुमार सिंह। मैं राजकुमार सिंह के पास प्रदर्शन किया जा रहा है।